फैक्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों नू मेरे यानी सिमरन वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज असी आए हुए जीरकपुर के वेलवेट रिजोर्ट के जिथे कि मैंगो फैसटिवल लगा हुआ। जो असी मैंगो की गल करते हैं तो साढ़े मूँह स्वादिष्ट जिहड़ा है उहदा स्वाद आ जांदा उहदे रस दा। तां मैंगो दियां तुसीं बहुत सारिया चीज़ा वेखिया होणगियां, मैंगो का शेक वेखे होणगे, बट इत्थे अज असी तुहानूं कुछ नवा भी विखावांगे जो कि मैंगो फैसटिवल दे विच बहुत सारिया तुहानूं वैरायटीज़ खाण नूं मिलणगियां। तो मैं तुहानूं दस दवां कि ये जिहड़ा मैंगो फैसटिवल आ वह करवा रहे ने मनिंदरजीत सिंह जी, उन्हां नाल भी तुहानूं गलबात करावांगे। तो आओ सब तो पहला चलते हैं, तो तुहानूं ये जान के बड़ी ही खुशी होएगी कि मैंगो दे विच तुहानूं सिर्फ स्टार्टर्स या फिर सैलड ही नहीं बल्कि इत्थे खाना जिहड़ा है वह भी मैंगो दे फ्लेवर दे विच बनाया गया। तो आओ चलते हैं तो तुहानूं दिखाने कि इत्थे की कुछ खास है। सो दोस्तों तुसी वेख सकते हो इत्थे जिहड़ा है डेकोरेशन की गई है। तो तुहानू मैं दस देवां कि इत्थे काफ़ी तरह के जिहड़े मैंगोज़ की वैरायटीज़ आ वो तुहानू वेखण नू मिलेगी, जिवें लंगड़ा आम हो गया, कुप्पी हो गई, अमरपाली, संदूरी अंब, दशहरी अंब, उपर तुसी वेख सकते हो चौंसा अंब, मतलब बहुत सारिया वरायटीज़ जिहड़िया ने। तो बड़े सोहने तरीके दे नाल इत्थे डेकोरेशन जिहड़ी है कीती गई है। तो तुहानू दस दवां कि ये इन्हां दे जिहड़े आ फार्म दे ही मैंगोज़ ने। तुहानू दस दवां कि मनिंदरजीत सिंह जी जिहड़े ने उन्हां दे अपने फार्म दे विच ये बड़े ही ऑरगैनिक जिहड़े ने फ्रूट ने जिहड़े इत्थे तुसीं इन्हां ने डिस्प्ले किए हुए ने। तो हुण आ जाओ अगे चलते हैं। तो तुहानू मैं दस दिंदी हां कि इत्थे स्टार्टर जिहड़ा है रख्या होया है वह भी बहुत सारे तरह तरीके दा है। तुसीं मैनूं लगदा नहीं है कि मैं तो कदे एवें मतलब स्टार्टर नहीं वेख्या पहला। तो कुछ वैरायटीज़ जिहड़ियां मैं तुहानू दिखा दिंदी हाँ, जिवें असी नाचोज़ बहुत वारी खाधे होणगे, बट मैंगो सालसा नाचोज़ तुसीं पहली वारी इत्थे वेख रहे हो कि जिहड़ी इहदी चटनी है नाचोज़ दे नाल ओह हैगी है जी मैंगो सालसा, मैंगो की बनी हुई चटनी है। तो इत्थे नाल दी नाल मैंगो मिंट तुसीं वेख सकते हो। तो बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट जिहियां चीज़ां आ, अलग अलग तरह दियां जिहड़ियां डिफरेंट इस करके आ क्योंकि ये चीज़ां तुसीं पहला खादियां होणगियां, बट इहदे च नवेकलापन यह है कि ये जिहड़ा है मैंगो का बनाया होया है। तो तुहानू इहदे विच मैंगो का टेस्ट जिहड़ा आएगा। तो तुहानू मैं दस देवां कि टेस्ट दे विच भी बहुत ज़्यादा है। चिकन टिक्का हर एक ने खाधा होएगा, बट मैंगो डिप दे नाल तुसीं पहली वारी ये देख रहे होगे। तो ये चटनी जिहड़ी है मैं तुहानू दस देवां कि ये मैंगो डिप है जिहड़ी कि चिकन टिक्के दे नाल इत्थे सर्व की जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगे चलते हैं असी स्पाइसिस मैंगो सूप। सूप तो तुसी वेज सूप पीता होएगा, चिकन सूप पीता होएगा, बट मैंगो सूप स्पाइसड मैंगो सूप जिहड़ा है तुसी पहली बारी वेख रहे होंगे। तो मैं तुहानू दस दवां खाण दे विच भी ये मिठा भी है तो खट्टा भी है, तो बहुत ही टेस्टी जिहड़ा इहदा फ्लेवर है। तो अगे देख सकते हो तुसी बारबेक्यू मैंगो सैलड चिकन रख्या होया। तो ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट जी डिश आ, मैंगो की बनी हुई आ, विच चिकन का टेस्ट है, तो जो मैंगो है उन्हें एक अलग ही फ्लेवर दिता आ। तो जो तुम अपने इनू टेस्ट करते हो तो चिकन अपना टेस्ट दिता आ, तो मैंगो अपना टेस्ट, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट जिहड़ा है बना दिता है टेस्ट नू। अगे तुम वेख सकते हो कि मैंगो चीज़र चिकन सैलड रख्या होया, तो यह भी बड़ा ही मज़ेदार है। तो अगे तुसी वेख सकते हो कि सोहने तरीके दे नाल प्लैटर की जिहड़ी है प्लेटिंग की हुई है, डेकोरेशन जिहड़ी है बहुत ही प्यारी लग रही है। तो जी अगे देख सकते हो मायो मैंगो सैलड, सैलड तुसी देखा होएगा कि मैंगो सैलड जिहड़ा है यह भी बड़ा ही डिफरेंट जिहा लग रहा है। तो खाण दे विच हजे तक मैं इहनू टेस्ट नहीं किया, बट मैं तुहानू इहदा भी दसांगी कि इहदा टेस्ट भी किवें दा है। सो हर एक चीज़ जिहड़ी है बड़ी ही यम्मी है, बहुत ही सोहनी है। तो हुण तुसी रायते बहुत खाधे होगे, बूंदी वाला रायता खाधा होएगा, बहुत सारे रायते जिहड़े है तुसी खाधे होवोगे, बट आ तुसी पहली वारी वेख्या होएगा कि मैंगो मिंट रायता जिहड़ा है इत्थे तुहानू सर्व किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनीक फ्लेवर जिहड़ा है दिंदा है। सो बड़ा ही रिफ्रैशिंग भी है तो बड़ा ही मज़ेदार भी है। तो अगे तुसी वेख सकते हो ग्रिल्ड चिकन इन क्रीम मैंगो सॉस, तो ये तुहानू सर्व किया जा रहा है क्रीम मैंगो सॉस दे नाल, ते बहुत ही वधिया लग रहा है ये भी। तो अगे जिहड़ा है कच्चे आम दा जिहड़ा असी हमेशा कच्ची कैरी खाना पसंद करते हाँ, पर इहदे विच कच्चे कैरी नू भी बड़े ही डिफरेंट तरीके दे नाल जिहड़ा है यूज़ किया गया है। चिकन करी दे विच जिहड़ा है यूज़ किया गया है, तो यह बहुत ही खट्टापन जिहड़ा इहदे विच दे रहा है, तो वह बड़ा ही अच्छा लगता जब तुसी खाते हो, तो विच जिहड़ा है जिहड़ी कच्ची कैरी है वह अपना एक फ्लेवर छड्दी है, तो वह बड़ा ही यम्मी लगता है। तो अगे तुसी वेख सकते हो पनीर मैंगो मखनी है, तो ये नाल ही तुसी वेख सकते हो पहाड़ी अंबिली
दाल है, मतलब ये आई थिंक हिमाचल का जोड़ा ये एक डिश है जिड़ी कि इतने सर्व की गई है। तो ये भी जोड़ा है कि कच्चे अंब का जोड़ा यूज़ किया गया, तो बहुत ही यम्मी है ये भी। तो अगे तुम वेख सकते हो कि बहुत सारिया डिशिज जो मैंगो शाही कोफ्ता है, मैंगो पुलशेरी है, अचारी आलू जड़े ने उदे विच भी असी जीरे वाले अचारू अचारी आलू जड़े खाने हैं, बट ये असी कदे भी नहीं सोच सकते कि असी इनू कच्ची कैरी दे नाल भी एदा जड़ा तड़का लगा सकते हैं। तो बड़ा ही डिफरेंट जड़ा कॉम्बीनेशन है, बट खाने दे विच उन्ना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हुण आजो जी अगे चलते हैं, स्वीट डिशिज जिहड़ियां ने इत्थे काफ़ी ज़्यादा रखिया हुई ने। तो तुहानू दस देवां कि सब तो पहला मैंगो पेस्ट्री है, तो ये फिर भी कितना कितने असी टेस्ट की होएगी, बट जोड़ी यूनीक चीज़ इतने मैंने लगी वो सी मालपुआ विद मैंगो खीर। तो मतलब कैन यू बिलीव दैट कि खीर तो तुम खाधी होएगी, सेवियां वाली खीर खाधी होएगी, तुम काजू बदाम वाली खीर खाधी होएगी, बट मालपुए के नाल मैंगो खीर ये मैं पहली बार ट्राई किया। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मैनु तो बहुत ही यमी लगा। सो अगे है जी मैंगो आइसक्रीम, सो अगे है मैंगो चीना पाए, तो यदा भी टेस्ट काफ़ी अच्छा सीगा। सो मैं तुहानू भी कहांगी कि जरूर तुसी इनू चीज़ नू ट्राई करियो, क्योंकि मैनू तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर अगे है जी फिरनी आम की, ये भी असी ऑलमोस्ट ट्राई की होएगी। तो अगे मैं तुहानू कुछ दिखा रही हूँ, चार जड़े ने शेक ने, तो मैंगो शेक ने, तो एक असी मैंगो शेक तो मतलब लैने ही हाँ, बट एक किवें डिफरेंट ने वो मैं तुहानू दस दिंदी हूँ। मैंगो शेक है, उसके नाल ही है मैंगो लस्सी विद पंच रतन, मतलब ये जड़ा है लस्सी जी है वो की है फ्लेवर दिता गया है मैंगो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इट वॉज़ अमेजिंग। फिर आम पन्ना है, आम पन्ना जोड़ा है जो तुम लोगे ये इन्ना ज़्यादा रिफ्रैशिंग है, जिमें कि अच्कल गर्मियाँ चल रही ने, तो गर्मियों के आम पन्ना असी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जी है साढ़े शरीर की जी गर्मी भी कटता है, तो उमें भी साड़ी हैल्थ लिए बहुत ही अच्छा होंगे। से अगे है जी ओवन रोस्टेड मैंगो शिकंजवी, ओवन रोस्टेड मैंगो शिकंजवी, इट वॉज़ अ रियली डिफरेंट फॉर मी, ये मेरे लिए एक नवा एक्सपीरियंस सीगा, तो मैनू तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो ये कुछ आइटम्स जिहड़ियां इत्थे डिस्प्ले कीतियां गईयां सी, सो मैं तुहानू सारयां दा दस्सिया, तो उम्मीद करदी हां कि तुहानू जड़ा ये जरूर तुसी पसंद करोगे। तो मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का कहांगी कि तुसी जरूर जरूर इन्हां दी जड़ी बेकरी है उत्थे विजिट करो, तो ये चीज़ां जड़ियां जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट नवियां। एंड जिवें हुण गर्मियां भी है, तो असीं गर्मियां दे विच वैसे ही अंब खाना पसंद करते हैं, अंब दीआं बहुत सारियां डिशेज़ जिहड़ियां ने असीं ट्राई कीतियां ने, बट इत्थे कुछ यूनीक डिशेज़ भी है जो कि बड़िया ही ज़्यादा टेस्टी भी है एंड तुहानू बहुत ही मज़ेदार भी लगनी है। तो मैं तुहानू खुद अपने एक्सपीरियंस तो कहांगी कि जरूर जरूर ट्राई करो। सो यह जी कुछ चीज़ा आइटम्स जिड़िया इतने इन्होंने डिस्प्ले की, उम्मीद करती हूँ तुम्हें वाइया लगेगा। तो हूँ असी मुलाकात करवाएंगे मनिंदरजीत सिंह जी के, तो आज जी हम अगे चलते हैं। सो दोस्तों मेरे नाल ने शेफ बिरदा राम, जिन्हों के खाने का टेस्ट जो हमने हमने असी देखा, जिन्होंने इन्निया ज़्यादा डिलीशियस जड़िया डिशिज़ तो यूनीक डिशिज़ जड़िया साढ़े सामने पेश कीतिया, तो उन्हों का स्वागत करते हैं, तो उन्होंने गलबात करते हैं कि इन्ना अच्छा तो यूनीक आइडिया जड़ा है खाने का उन्होंने किवें आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। मैंने ना खाना टेस्ट किया, सो मतलब मैंगो के वैसे तो हम जैसे आम पन्ना हो गया या अचार हो गया या फिर फ्रूट सैलड हो गया, ये तो खाते ही रहते हैं, बट आज मैंने जो यूनिक चीज़ जो ट्राई की मैंगो की, वो थी मेरे लिए खाना, कि उसमें जो आपने सब्जियां जैसे पनीर कोफ्ता हो गया वो हमने खाया, बट ये जो आपने बीच में मैंगो का तड़का लगाया वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो पूछना चाहूँगी पहले तो कि ये आइडिया कैसे आया? मैम वैसे तो क्या है, हम लोग जैसे मैंगो खाते हैं उसके साथ साथ में क्या है खाने के साथ खाते हैं, अब खाने में अगर यूनिक चीज़ बनाते हैं तो एक और अच्छा हेल्दी बनता है। तो हेल्दी हेल्थ के लिए जो है मैंगो बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन विटामिन उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमने शिकंजी जैसे शिकंजी हमने रो मैंगो को ओवन तंदूर में रोस्ट करके बनाया, जो कि गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो जिस ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम तो वो बहुत अच्छी जो है हेल्थ के लिए होता है। वैसे ही हमें जो हमने जो खाना तैयार किया उस खाने में मैंगो यूज किया, सिंदूरी
जो पल्पी होता है, जो ना ज़्यादा मीठा होता है, तो उसी रेशो के हिसाब से हमने तैयार किया है, जिससे कि ज़्यादा मीठा भी ना हो और ज़्यादा उसका फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। बिल्कुल, वो जो हमने जब मैंने खाना खा रही थी तो मुझे यही चीज़ सबसे बेस्ट लगी उसमें कि ना तो वो मीठा फ्लेवर दे रहा था, ना ही वो खट्टा फ्लेवर दे रहा था, बड़ा ही अच्छा। और मतलब जैसे आप इंजॉय करते हो खाने को, जब खाना टेस्टी टेस्टी होता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आपको ये जो आइडिया था, ये आइडिया मतलब सर का था, मनिंदर सर का, या फिर आपका? ये आइडिया हमने जो है खुद सोचा कि इससे अच्छी अच्छी नई नई डिशें बनाई जाएं, जिससे कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे। जैसे शिकंजी है, शिकंजी आमतौर पे बनाते रहते हैं, लेकिन तंदूर में रोस्टेड करके हमने बनाया, जो कि जैसे लू लग होती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसका नेचर होता है ठंडा, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे लू जो है एक आयुर्वेदिक दवा का भी काम करता है। और हमारे जो जितने भी आम हैं, ये हमने अपने फार्म हाउस के आम यूज किया है, जो कि कभी भी हम मसाला यूज नहीं करते, जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक है वही यूज करते हैं, कोई मसाला यूज नहीं करते, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। केमिकल से नहीं पकाते हम, जो अपना नेचुरल है वही है यूज किया। जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत इन्जॉय भी किया हमने आपका खाना, क्योंकि वो जो टेस्ट था वो अभी भी मेरी ज़ुबान पर है। तो थैंक यू सो मच इतना खाना, अच्छा खाना सर्व करने के लिए। थैंक यू। सो उम्मीद कर दिया कि तुहानू भी वधिया लगा होएगा, तो हुण असीं चलदे हां ते तुहानू रूबरू करवाने हां उस इंसान दे नाल जिन्हां ने ये उपराला किया। मैं गल कर रही हाँ मनिंदर सिंह जी की, आओ जी उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हुण साडे नाल ने मनिंदरजीत सिंह जी, तो उन्हां नाल गलबात करदे आ ते जानदे आ कि ये मैंगो फेस्ट दा जिहड़ा उन्हां दा आइडिया सी, ये उन्हां नूं किवें आया। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम मनिंदरजीत सिंह है, मैं जनरल मैनेजर हूँ वेलवेट क्लब एग्जोटिका जीरकपुर में, और टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर स्टार्टिंग द मैंगो फूड फेस्टिवल, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्स, लाइक फ्रॉम 7 जुलाई इट विल बी ऑन टिल 30th ऑफ जुलाई इन द इवनिंग टाइम फ्रॉम 7 PM टू 11 PM, and the average cost for two people will be 1200, and on special occasions like birthday or kitty party we'll have a facility for the special buffet which will cost 500 rupees per person. And the USP about this promotion is that we are using mango in almost 30 dishes, which includes soup, starters, main course, desserts and beverages as well. And our owners, our promoters, they have their own mango farms in Beltana, which is spread into 13 acres. And the another USP is that we are doing organic farming there. So all the mangoes which we are using, which includes chosa is there, langada, amrapali, kupi, mangoes are there. So they are 100% organic mangoes, and so that they will be more tastier and more healthier for our clients. And this time we are doing sizzlers as well. So all the starters will be doing on sizzlers. So that's the USP of the event. And this is festival is on for our room guests and for our regular walk-in clients also. They can visit us during this time and they can enjoy the festival, ongoing festival. सर, अगर जैसे आपने बताया कि 30 जुलाई तक ही है, अगर आफ्टर दैट हम लोगों ने ये चीज़ें टेस्ट करनी हो या ट्राई करनी हो, तो फिर कहाँ विजिट कर सकते हैं? अब हमें बस इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये मेन्यू चाहिए, और हमारी टीम है, अगर सीजन में मैंगोज अवेलेबल हुए तो डेफिनेटली विल मेक दी मेन्यू अकॉर्डिंगली एंड विल सर्व दी क्लाइंट्स गेस्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड तुहाड़ा जिहड़ा ये सीगा सानू बहुत ही वधिया लगा ये फेस्टिवल, क्योंकि मैं बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही यूनीक चीज़ा जिहड़ियां है, क्योंकि असी सोच भी नहीं सकते कि मैंगो दे नाल आ आ चीज़ा भी बन सकदियां, तुसी ओ भी ट्राई कीतियां, तां बहुत ही मज़ा आया सानू, एंड थैंक यू सो मच कि तुसी अपने कीमती समय दे विचों सानू भी टाइम दित्ता। मैं भी धन्यवाद करदा, आन वास्ते तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो थैंक यू जी, थैंक यू।
सो दोस्तों ये सीगा मैंगो फेस्ट जिते कि मैं बहुत ही इंजॉय किया। इतों का खाना जोड़ा है मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। डिशिज जीडिया ने बहुत तरह दिशिज है तो हूँ तुम्हें पता भी लग गया कि अगर तुम भी विजिट करना चाहते हो तो जीरकपुर के वेलवेट रिजोर्ट के विजिट कर सकते हो। सर ने जिम्मे दसिया है कि 30 जुलाई तक जोड़ा है ये फैसटिवल जोड़ा है चल रहा है तो तुम कदे भी विजिट कर सकते हो। तो टाइमिंग भी उन्होंने थोड़े न शेयर कर दी ने तो तुम अपनी फैमिली के नाल फ्रेंड्स के नाल जो मर्जी तुम इतने आके विजिट कर सकते हो। तो आफ्टर दैट भी अगर तुहानू जरूरत है तो तुम उन्होंने कुछ भी ज़्यादा टेस्ट करना चाहते हो वह भी सर ने दसिया कि साड़ी टीम है तुम जोड़ा भी डिश चाहते हो मैंगो फ्लेवर दे विच वो तुहानू प्रोवाइड हो जाएगी। सो अगर तुहानू भी ये चीज़ा अच्छी लगिया तुम भी करना चाहते हो इन्हां नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिवें सर ने तुहानू दसिया। सो फिलहाल ही मैं तुहाडे तों इजाजत लैनी हाँ। मैं सिमरन कैमरामैन हरविंदर दे नाल।